तो घाटमपुर के चर्चित इस्लामी इंटर कॉलेज के बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। विद्यालय प्रबंधन की गैर मौजूदगी में 3 बुलडोजर और पीएसी बल के साथ पहुंची अधिशासी अधिकारी उमेश मिश्रा ने विद्यालय परिसर के दरवाजे को ध्वस्त कराने के बाद विद्यालय में लाइन से बनी 12 कक्षाओं और एक छोटी लाइब्रेरी को भी ध्वस्त करा दिया। इसी दौरान जानकारी होने पर कस्बे के कई दर्जन लोग वहां पहुंचते हैं। विद्यालय के प्रबंधन के आ जाने के ध्वस्तीकरण को रोक दिए जाने का निवेदन भी किया जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। इस दौरान धराशायी इमारत के मलबे में कुछ लोगों को पवित्र कुरान के हिस्से नजर आए। लोगों ने उन्हें उठाना शुरू किया तो हड़कंप मच गया। मौके पर पवित्र कुरान के कई फटे टुकड़ों के साथ करीब 100 हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की किताबें भी मिली, जिस पर लाइब्रेरी से पुस्तकों और फर्नीचर निकलने के लिए वक्त न देने का आरोप लगाकर तमाम लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हम भी नहीं सुन सकेंगे।